बचा था? छह महीने फिर मार देने वाला था? आ? कैसा मारने वाला था? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके हार्ट लागे कैसा मारने वाला था? हाँ जोर से पूरी ताकत लगा के बोलना तो दो टुकड़े कर दूंगा जल्दी। हाँ कैसा मारने वाला था? हाँ कैसा मार बोले थे? बीमारी लगा के मारो बोले थे। और कई में मिला के खिलाए तो क्या था? तारी बिरयानी क्या क्या चीज के अंदर खिलाए थे? कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान से कब्रस्तान से? जल्दी बोल मुझे जलाल नहीं आना। अगर मेरा जलाल जाग जाए ना तो दो टुकड़े कर दूंगा मैं। फिर बोलना नहीं मन क्यों करा फिर? उससे पहले मैं साइंस में बोल दे जल्दी। हाँ हाँ चल बोल। हाँ बोल। हाँ चल बोल क्या पूछा मैं जवाब। साथ में कौन है वाला इनके और कौन है? कौन है उनका? तुम कौन है? मैं भैया नहीं हूँ। हाँ जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो अंदर से। सुन लिए कब मारने वाला हूँ मैं तो? सुना कैसा मारने वाला था? ऐसा बोला ना तीन आगे। पकड़ो उसको और तेज जकड़ो जलाओ उसको और तेज जलाओ जकड़ लो। एक सवाल का जवाब दे जल्दी से। कहीं मिला के खिलाए थे उसको? जोर से बिरयानी। कोई की बिरयानी थी वो? मुर्गी। मुर्गी। कितना टाइम हो रहा खिला के? दो महीने पहले से खिलाए। अच्छा दोस्त आने के लोग आते खिलाने वाले के रिश्तेदार थे? रिश्तेदार। हाँ चलो अभी इसको जकड़ के रखो इसको बंधा लो इसको तेजी से और इसको बंद के इसको इतना मारो इसको दूसरे चक्कर तक मेरे सामने लाओ। अभी नाम नहीं पूछूंगा मैं दूसरे चक्कर में पूछूंगा नाम कौन डाले थे क्या डाले थे। अभी इतना पूछा दिया तो काफी है ना सुन लिए पूरा। बंदा लो उसको तेजी से बंद कर लो उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قول ثقيل ان سنلقي عليك قول ثقيل وان ناشر الليل ياشر وضم اقوام قيل ان لك في النهار صباحا طويلا واذكر اسم ربك واضبط اليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا عدد فرقك هو وكيلا واصبر على ما يقولون واحد يقول جميع وظن المقصرين وان عبد مال قليلا ان لدينا انكال مهمه من زاغوصة وعذاب عليم يوم إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاد فرعون رسولا فخطفهم بالحريق فأخذتهم من حكم يوم يجل البدن شبه صنفهم بيح كان وضع مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ لربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تخمر نفس الزلي بني سبع وسبع سبع طائفة من الذين معك والله يقدر الله من نحار الجبل توصف حتى بهم فأفرم عليه أثر من القرآن علما سيكون منكم نار الله وآخرون يضربون في الأرض ابتغوا فرد لله وآخرون يقدم في سبب فأفرم عليه أثر من الصلاة وآتوا الزكاة وآخذوا الله قدرا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير إن الله خير وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. बन के डाल दो उसको जंजीरों से लाओ जकड़ के डालो उसको 12 बजे के बाद से कस के बन के डालो तो फिर दूसरे चक्कर में उसे सब पूछेंगे करेंगे फिर उसके बाद में भस्म करने की पूरी कार्रवाई करेंगे तेजी से। क्या नाम है? जिमी।
नमीर पाशा जमीर पाशा ओए जमीर ओए जमीर हाँ जमीर ओए जमीर हाँ पानी पियो जमीर पियो पानी पियो क्या सुना तुमने मारने वाले थे फोर से बोलो में मारने वाले थे हाँ दो महीने हो गए बिरयानी में खिलाए थे हाँ सुने ना पूरा लाइव में तुम पहले क्या समझ रहे थे कुछ तो फोर से बोलो कुछ तो घर ऐसा ही कर समझे थे बीमारी 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 से पहले कहीं हाजिर हुआ कहीं हाँ दूसरी जगह दिखाई दे वहाँ हमारे कर्नाटक में ऐसा नहीं आया था सामने तो नहीं आया सवाल जवाब हुए थे नहीं नहीं सवाल जवाब कुछ भी नहीं था सबके बस की बात नहीं रहती इलाज करना बाता करने सबको आते दुनिया में शैतान से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है शैतान आता नहीं कोई बात किसके सामने गिरता नहीं उन्हें किसको ताएंगा क्यों जिसको अल्लाह ने दिया ताकत रहते वहाँ का मैं वहाँ के भी रहते सवाल जवाब कर दिया था चलो पूरा सुन लिए समझ में आएगा ना क्या मसला है तो कहाँ से आए थे कर्नाटक से रायचूर रायचूर डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा क्या करते हैं काम ड्राइविंग करते चलो ठीक है बंदा करम सब जैसा बताओ उस तरीके से हमला कराओ उसको राइट करा देते ठीक है नमाज वो पढ़ रहे क्या पास टाइम की भाई समीर नमाज नहीं पढ़ते क्या नमाज पढ़ने नहीं कुरान नहीं आती पढ़ने नहीं कौन दिखता क्या नहीं। अभी तुम्हारे आंग में आया था अभी सवाल जवाब हुए कुछ याद है क्या अभी सवाल जवाब हुआ ले क्या बोल रहे हो उनको याद नहीं करते क्या सवाल जवाब है तुम्हारे आंग में आया था अभी ना आके बोला क्या बोला उसमें रिकॉर्ड है देखो बाद में मालूम होता बहुत खाते फिर रहे थे बिरयानी बगरदा वो बगर दुआ पड़े के दुआ पढ़ के खाना पड़ता हर चीज़ इस वास्ते मैं बोलता हूँ बार बार कि दुआ पढ़ो दुआ मोमिन के वास्ते अल्लाह ने हथियार रखे आला है अगर दुआ पढ़ के तुम खाए कोई तुम्हारा मिला के खिला दिया तो तुम चार कदम जाने से पहले तुम्हारा पूरा उलट के निकल जाता क्योंकि तुमने अपने आप को अल्लाह के ऊपर सौंप दिए थे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा तुम जब अल्लाह को नहीं अपने हवाला तुम खुद को अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे और डायरेक्ट बिंदास कहीं हो जाओ फिर भोगते बैठो फिर ऐसे शैतान बढ़ जाता है उसके अंदर और बाद में अल्लाह को याद करे तो बाद में उन्होंने असर नहीं होने देते तुम्हारी इबादत को तो तुम्हारा इबादत इतने करने देते वहाँ जाने इतने देते इबादत के नजदीक गई की तकलीफ देखिए भगा देते रिवर्स खींचते पीछे ये खास बात है इस वास्ते पहले से इबादत की रस्सी को तुम अगर मजबूती से थामेंगे तो फिर तो तुम्हारे को कोई जादू टोने की औकात नहीं है कोई जादू टोना चल नहीं सकता दुआ मोमिन के वास्ते अल्लाह ने हथियार रखा है उस वास्ते बहुत सारे अजीब गरीब दास्तान बहुत सारे राज है दुनिया में तुम्हें क्या मालूम अभी शायद तुमको जो दिखता तुम उस कुछ मानते जो नहीं दिखता तुम उस पर यकीन नहीं करते जब बीतती तो फिर पता चलता कि अरे नहीं दिखने वाली भी चीज़ है नहीं बीतती तो फिर कैसा है कमेंट आ देने में मजा आता ठंडे छाँव में बैठ के किसी की हंसी उड़ाने में और जब खुद पे बीतती तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती फिर कहाँ चले गई ज़मीन फिर पता नहीं चलता फिर ऐसी बात फिर आसमान टूट जाता और ज़मीन गायब हो जाती सर पे से जब खुद के ऊपर बीतती तो क्योंकि कहाँ जाएंगे दिमाग काम नहीं करता ना पेट दुखा तो डॉक्टर करने जाएंगे सिर दुखा तो डॉक्टर करने जाएंगे घर बनने करा तो इंजीनियर करने जाएंगे कुछ और दूसरा काम रहा तो फला फलाने के पास देंगे मगर जब आंग में कोई शेगी तो फिर डायरेक्ट अल्लाह को कैसे याद करेंगे मालूम नहीं होता कैसा अल्लाह सुनता नहीं ना तुम्हारी जल्दी कभी सुनने मगर तुम्हारे पास वो जबान भी होना ना फिर अल्लाह से मांगने वाली जबान तुम्हारी गीबतों में चुगलियों में गालियां गलौजों में बुराइयां करने में दूसरों के जादू टोने दूसरों पे करने में लगी आई है तो फिर इधर से खड़े तो फिर कैसा तुम्हारे को फिर कैसा तुम्हारी जबान में असर रहेगा फिर कैसा तुम्हारे जबान से वो होगा फिर जो भी होगा फिर अल्लाह कैसे सुनेगा ऐसा पाते वास्ते पहले से पाबंदी लगो दूसरों के घर मत जलाओ ऐसे गर्म पानी से ऐसा तुम खिलेंगे करेंगे तुम क्या सोच रहे कि मालूम नहीं होगा दुनिया में हम जादू टोना कर देंगे किसके ऊपर कैसा नहीं मालूम होता हर चीज़ मालूम होती है कैसा तुम्हारे बेजत हो जाते ना मालूम इस वक्त बेहतर है कि मत करो ऐसे हरकत मत करो इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तुम इन सब चीज़ों से बचे आ रहेंगे तुम्हारा किसी पर हसद जलन भी हो कि तुम किसी पर जादू भी नहीं चलेंगे अगर तुम इबादत करेंगे तो और दूसरी बात तुम इबादत करेंगे तो कोई तुम्हारे ऊपर भी नहीं चला सकेगा इबादत की खास बात है सोचते इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और जो बुजुर्गान दीन की जो हस्ती उड़ाते दरगाहों की इनकी ये नालायक हो अकल से पैदा लिए जब इन बीमार पड़ते तो फिर उनको पता चलता कि अल्लाह के बुजुर्गान दीनों में अल्लाह ने क्या ताकत रखा दरगाह वालों में भी दरगाह के हजरतों में भी उनमें भी उनका नहीं रहमत बरसती उनके बहुत बड़े मकाम आते हैं उन्होंने अल्लाह के लोगों में अपने आप को मिटा दिया और मिट गए इतनी इबादत करें एक दिन बड़ी रात आती साल में तो तुम बड़ी रात के दिन
तीन जगह टेढ़े हो जाते खाली चार घंटे बैठे इबादत करते हुए। वो लोग वो थे बुजुर्गाने दीन की पूरी जिंदगी इबादतों में काट दी, उन्होंने कभी जमीन पर पेट नहीं लगाए, उनको बुरा बोलने का हक नहीं है तुम्हारा बुजुर्गाने दीन के बारे में वली अल्लाहों के। ऐसा ना हो कि तुम वली अल्लाहों को बुरा बोल रहे, तुम ऐसा सोच के बोल रहे कि वो ऐसा ही होती हूँ फलाना, मगर ये ना हो कि अल्लाह तुमसे नाराज ना हो जाए। दुनिया पूरी नाराज हो गई तो चलती, जमीन वाले जितने भी जमीन वाले पूरे नाराज हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह नाराज नहीं होगा। अगर अल्लाह नाराज होगा और जमीन वाले पूरे भी राजी है तो फिर कोई मतलब नहीं तुम्हारी दुनिया आखिर सब बर्बाद होगी, समझ लो। बेहतर ही बात, फिर उसी को मजबूती से थामो, थाम लो और दिल से हसद और जलन को मिटा दो, खत्म। समझ में आया ना? चलो रोक दो। क्या होती थी तकलीफ, वो क्या होती थी? अंदर से सांस फ्री हो जाता है, और भूल भूल हो के और क्या होता था, जोर से बोलो, भूल भूल हो के वो अंदर से तकलीफ होना शुरू होता। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोलते, तो पहले बताए थे तो क्या हुआ था, क्या बोले तुम पहले बताए थे कहीं, तो आलिम साहब ने क्या करे थे, पड़े क्या हुआ था, फिर भी नहीं हुआ था। जोर से बोलो, सुने ना मुझे भी और सबको भी। हाँ, दोपहर में हम गए थे देखे असर है जिनका असर है बोले, उसके बाद में क्या है वहाँ से चले गए, नहीं काटे वहाँ नहीं लगाए। उसके बाद में क्या है ना, शाम में मगरिब के टाइम पे शुरू हो गया तकलीफ देना, फिर तकलीफ देना 8 दिन तक करता रहा, बहुत उल्टा। 2 महीने से चल रहा बोलते प्रोग्राम, तकलीफ कब से हो रही तुम्हारा? 3 महीने हो गया सोनी साहब, तुम्हारे अंदर का सब बोल रहा था उसमें है। देखो मन थोड़ा बहुत बातें पूछा है अभी, बाकी का अभी तो थोड़ा सा ट्रेल आया, बाकी सब आगे पूछूंगा मैं, आगे की दास्तान में पूरा क्लियर, कौन लोग अंदाज थे, क्या नाम थे, मेरा कुछ नहीं है, जो भी नाम होंगे वो अंदर का शैतान बोलेगा, मेरा क्या है उसमें। और दूसरी एक बात ये है कि मैं मेरे मुँह से तो कभी बोलता से नहीं किसी के कुछ भी दास्तान, बात ही खत्म हो। और एक अहम बात कि जो भी निकलेंगे जिसके नाम है उनको लड़ना झगड़ना नहीं, उनको अंदर की तरफ से खुद मार पड़ेगी, ऐसा दूसरों के घर गलों गर्म पानी से जलेंगे तो खुद कैसे नहीं गिरेंगे पानी के अंदर खड्डे में, ये सोचो ना फिर। अच्छा, और कुछ क्या बोलते, तो अभी मेरे साथ में जो सवाल जवाब के वाले कुछ याद है क्या अभी? हाँ, मैं पूछ रहा था तुम्हारा तो उधर देख, इधर तुम्हारे भाई की तरफ कुछ भी याद नहीं है उनको, देखे आंगन 100% आ गया था, अभी हाजिर 100% हुआ था। दो किस्म की हाजिरी रहती, एक हाजिरी 100% आती पूरा फुल उन्हें आंग पे आके उन्हें बात करता, और 50% 40-90-80 ऐसा बोलो कि वो कह रहा था 50-80-90% कि जबान दिमाग तो चलते रहता मगर जबान भी उन्हें काबू करके पूरी बात करने लगा था, जबान उसी से चलती, मगर इनको पूरा 100% आया था, उनको याद नहीं है कि अल्फाज क्या हुआ यहाँ पे। अब जाके देखो बाहर तुम्हारा, फिर मालूम था क्या आया था तुम्हारे आंग में, समझ गए? चलो दुआ का पानी पानी मिला पीते जाओ, बढ़ा के सुबह शाम दो टाइम वो तुम्हारे स्प्रे मारते रहो मुँह पे, ये हेलो तुम मिलाए थे भाई से ले जाओ सब, और ये दुआ का पानी पढ़ाते जाओ पीते जाओ, और कुरान भी पढ़ो जरा, कुरान कब सीखने वाले पढ़ना, हाँ कुरान सीखने के वास्ते कोई उम्र का तकाजा नहीं रहता, कभी भी सीख सकते। तुम्हारा इंग्लिश उर्दू मराठी तेलुगु सीखना अच्छा हो रहा है ना, कुरान हदीस याद नहीं हो रहे तुम्हारे लोगों को, वाह गाने भी याद हो जा रहे अच्छे से। चलो ठीक है सर, रोक।